कैसे हो आप सब? व्हाट्स अप? गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? बस मेरा सुबह हो गया है, उठ गए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं सारे लोग। कृष्णा बेचारा कितना काम करता है, देखो मेरा शेना गुंडू। मिली बाबू, मामा का बाबू। मैंने कहा मैं चलो पहले ट्राईपॉड लगा दूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। कृष्णा हाय बोलोगे? हाय गाइस, ये देखिए इतने सारे कपड़े निकाले, मेरे को सारे वॉश करने हैं। और मैंने कहा चलो स्टैंड लगा दो, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय गाइस। सो गाइज, मैं यहाँ पर कपड़े बेडशीट डाल रही थी। मैं हर दूसरे दिन अपनी बेडशीट जो होती है वो चेंज कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही थी। कृष्णा चेंज नहीं करने दे रहा था मुझे बार बार। आज मेरी थोड़ी सी ठीक भी नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूल रही थी, थकान सी हो रही थी मुझे। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती रहती है जब से कृष्णा हुआ है ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है एक बेबी होने के बाद से। चाहे आपके पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी सांस की प्रॉब्लम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ थक जाती हूँ। वैसे तो थोड़ा सा काम नहीं होता है, बहुत सारा काम होता है। तो यहाँ पर मैं बेड का जो बेड सीट है वो लगा रही थी। लगाने के बाद से मुझे बहुत सारे काम करने थे तो मैं लगा रही थी यहाँ पर। तो कृष्णा बार बार अपनी गाड़ी सजा रहा था, तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप इधर हट जाओ, इधर हट के खेलो। तो नहीं, इनको हटना ही नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है। और सुबह में क्या होता है कि मैं इनर पहन कर काम करती हूँ, पूरा दिन मैं इनर में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे को काम बहुत रहता है। और मेरे पेट में हमेशा ये रहता है कि हाँ चलो, प्रॉब्लम रह रही थी थोड़ी सी मुझे, ये कि गैस वैस की प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ये जैसे कि अगर आप टाइट टाइट कपड़े पहनते हो ना, तो आपका पेट निकलने लगता है, आपके पेट पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, लाइन पड़ने लगती है, बैली फैट बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ढीले कपड़े पहने। और अगर आप घर पे हैं तो आप ठंडी में एक इनर पहन लें, बहुत है। इनर अच्छा पहने आप, गर्मी जो गर्म करे। इसलिए मैं जीन्स वगैरह भी बहुत कम ही वेयर करती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो जीन्स वगैरह पहन कर रखती हैं, तो उनके पेट में जो नीचे की जो वैली फैट होता है वो लटकने लगता है, साइड साइड से जो कमर की स्किन होती है वो भी लटकने लगती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सो गाइज, यहाँ पर फिर मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जो मेरा ब्लैंकेट होता है, चादर वगैरह चेंज करके, बेड शीट वगैरह चेंज करने के बाद से मैं अपना ब्लैंकेट ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि कृष्णा कभी कभी क्या होता है थक जाता है, तो थकने के बाद से ये लेट जाता है। और जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे देखा 2-3 बार कृष्णा थक गया था और थकने के बाद से लेट गया बेचारा। इतनी ज़्यादा मेरे को दया आ रही थी इसके ऊपर कि यार वो मोमेंट फ़ोन में तो कैप्चर हो जाते हैं, बट वो मोमेंट हम देख नहीं पाते हैं। इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी होती है कि पूछिए मत। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ, जब तक कि 11 बजने से पहले पहले मैं जो भी ऊपर 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 के काम होते हैं, जैसे साफ़ सफाई छोड़ करके जो सारी चीज़ें सेटिंग करनी होती हैं, जो चीज़ें जहाँ होती हैं उनको सेट करना, पूरा घर सेट करना, कपड़े लगाना, मशीन में कृष्णा को रेडी करना, सारी चीज़ें मैं करने के बाद से फिर अपने मेंबर से बात करती हूँ 1 घंटा। जिनको रूटीन देनी होती है उनको रूटीन देती हूँ, जिनका चेंज करना होता है उनका चेंज करती हूँ सारी चीज़ें। आप देख रहे हो यहाँ पर ये चढ़ रहा है, मैंने कहा कृष्णा चढ़ जाओ, हटो, मैं पिलो रख दूँ। हट नहीं रहा था ये, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मत हटो आप, मैं किनारे इनकी गाड़ी साइड करके मैंने इनका रख दिया था। और इनको ना हर एक चीज़ चाहिए होती, तो बस यहाँ पर मेरा ये बेड शीट लग गया था। और उसके बाद से अब मैं चलूँगी दूसरे कमरे में, तो आप देख सकते हो मेरा जो दूसरा कमरा है वो भी पूरा फैला हुआ, किचन का सामान लेकर आया था। अभी हम कुछ दिन पहले भी लेकर आए थे, बट मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ग्रॉसरी का बहुत सारा सामान लेकर के बैठूँ। क्योंकि हमारा जब भी ग्रॉसरी का सामान आता है तो 10-15 हज़ार का सामान आ ही जाता है 1 महीने का, तो बहुत सारा सामान होता है, तो सामान दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी 1 महीने का हम सामान लेकर आए थे, उसमें से कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लेकर के आए थे अभी फिर से। तो अभी 15-20 दिन थोड़े से महीने जो रहते हैं, जैसे आपका मैं कब लेके गई थी, आप लोगों अगर डेट याद हो तो आप लोग मेंशन ज़रूर कर देना कि कब गए थे हम। आपके साथ में ब्लॉग गया हुआ है वो, तो मैंने कहा था शेयर करने के लिए, बट मैं नहीं शेयर कर पाई थी, तो बस इसीलिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैंने आज सारा सामान जो भी हम लेकर आए थे सारा कुछ वो सेट किया। कपड़े तो रोज़ के रोज़ होते हैं, और मैंने कृष्णा से कहा कृष्णा मेरी हेल्प कर दे बेटा। नहीं मम्मा गाड़ी खेलना है, नहीं मम्मा, अब तो पूरा पूरा वर्ड बोलता है, पूरी पूरी सेंटेंस बोलता है, पूरी पूरी लाइन बोलता है। मैंने कहा कृष्णा कपड़े दे दो, कपड़े दे दो। आपने लोगों ने देखा होगा कि नेक्स्ट व्लॉग में ये मुझे कपड़े उठा उठा करके दे रहा था, बट इनके डैडू ने इनको गाड़ी ला करके दिया कल की परसों, याद नहीं आ रहा मुझे, कल ही ला कर दिया था शायद, कल की परसों लेकर आए थे, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे अच्छे से। तो क्या है कि इनको गाड़ी मिल गई, बस ये गाड़ी में ही लगे हुए थे। और इनकी जो भी गाड़ी आती है, जो भी टॉय आते हैं, बस 1-2 दिन के मेहमान होते हैं, उसके बाद से ये तोड़ तोड़ कर उसका कचुम्बर बना देते हैं। तो बस इनका यही काम लगा रहता है सुबह से लेकर के शाम तक का। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही थी अभी,
आप लोग के साथ में मैंने पाव भाजी की रेसिपी शेयर करी है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप कैसे भी उसको बना सकते हो, वैसे ही टेस्ट आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी टेस्ट वही रहता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सर्फ डाल दिया था इसमें, और छोटा पैकेट भी लेकर आती हूँ मैं, जिससे कि अगर मुझे कोई काम करना हो या फिर पोछा लगाकर पोछा धोना हो, पोछा ओछा धोना होता है, कुछ छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो उसके लिए मैं अलग रखती हूँ। जैसे किचन के कपड़े हो गए, उनके लिए मैं सर्फ अलग रखती हूँ। डब्बे में तो देख सकते हो आप, कृष्णा आ गया है और कैसे कपड़ों पे चढ़ा जा रहा है। तो कृष्णा का यही रहता है, इधर से उधर हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और देखो वॉशरूम में जा रहा है, मैंने उसे बोला नहीं जाना है वॉशरूम में, तो भाग के गया है और अपनी गाड़ी लेकर आ गया। मैंने कहा जाओ अपनी गाड़ी लेकर आओ, तो उसको याद आया है तो अपनी गाड़ी लेने के लिए गया है। सो गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें कम्फर्ट डाल दूंगी। कम्फर्ट डालने से थोड़ा सा कपड़े में कलर कलर तो खैर नहीं होता है कुछ, बट हाँ मुझे जो लगता है कि इसकी फ्रेगनेंस बनी रहती है कपड़ों में, हमेशा खुशबू रहती है, तो वो चीज़ अच्छी रहती है आपके ब्लैंकेट में, आपके पूरे कपड़ों में, सॉक्स में, हैंकी में, कृष्णा के कपड़ों में, हर जगह मतलब डाल देती हूँ मैं। जैसे वॉश करते ना तभी डाल देती हूँ। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद से आप रात में जो लास्ट में रिंस करते हो बाल कपड़ों को, हमेशा बालों बालों की बात याद आती रहती है। तो जब आप कपड़े को लास्ट में रिंस करते हो तो आप उस बीच में अपना एक बार के जो लास्ट वाला रिंस होता है उसमें भी आप पानी ऐड कर सकते हो, बट मैं कपड़े धोने के साथ में ही कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि उसकी खुशबू रहती है माइल्ड सी और अच्छा भी लगता है वो। तो यहाँ पर मैंने इसे बोला था गाड़ी ले आओ, तो उसने गाड़ी ले आया था कृष्णा, और गाड़ी ला करके अपना खेल रहा था। मैं भी वो उसके साथ में ही खेल रही थी, मुझे दे रहा था ला ला करके। तो मैंने कहा चलो मैं अब कपड़े डाल दूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसे बोला मुझे कपड़े दे दो कपड़े दे दो, तो देखो कपड़े नहीं दे रहा है, फिर नहीं दिया इसने, तो मैंने कहा चलो मैं ही डाल देती हूँ। मैं इसको सारी समझा, और यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड कर दिया, और आप देखना यहाँ पर चोट लग जाती है मेरे बच्चे को, हाय दैया दो बार लगी ने शायद, तो मैं ध्यान नहीं दिया था और मैं कपड़े डालने में लगी हुई थी। मुझे लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी जाएगा। जब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा था कि कृष्णा को दो बार लग गई उस चादर से। बाकी चादर तो मेरा जो बेड सीट है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो इतनी देर से नहीं लगी थी। बाकी उसको अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, मम्मा चोट मम्मा तोत ऐसे बोलता है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप कृष्णा से मेरा नाम बुलवाइएगा, तो कृष्णा भी अपने डैडा से खेल रहा है। बाकी भी आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी, संडे का जो ब्लॉग होगा वो आप लोग देखिएगा, वो बहुत अच्छा स्पेशल ब्लॉग शेयर करूंगी। कुछ स्पेशल करेंगे हम, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो, क्योंकि ना मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी तक खराब ही खराब रहती है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो वो ये दिक्कत हो रही है कि मैं सांस फूलने लगती है, मैं थक जाती हूँ, तो मैं ब्लड टेस्ट करवाऊँगी। वैसे तो मेरे ब्लड में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, बाकी मेरा जो वेट है वो भी अभी इधर कम हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा इधर पतली हो गई हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा क्यों, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सुबह अगर मैं 8 बजे 7 बजे उठती हूँ उसके बाद से मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ दीदी आप वर्क करते हो इतना ज़्यादा तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आप जो भी चीज़ खाते पीते हो तो आपकी सारी एनर्जी इन सब कामों में लग जाती है, तो फिर वो आपकी बॉडी में लगता नहीं है। तो ये भी चीज़ें हैं, मैं रात में भी सोती हूँ 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 भी बज जाते हैं कभी कभी, और आज भी मुझे लोगों की मेंबर जो शिप हैं उनकी रूटीन वगैरह सेंड करनी है, तो बस इस तरीके से सारा काम चलता रहता है। और यहाँ पर मैं कृष्णा के डायपर लेके जा रही थी उस कमरे में, सारा सेट करके यहाँ पर रख रही थी। मैंने कहा कि इनके हर मतलब डे हर डे इनका 10 डायपर लेके चली जाती हूँ मैं, क्योंकि हम बड़ा वाला ही लेकर के आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कबाड़ा हुआ पड़ा है, तो सारा कबाड़ा हुआ पड़ा था। तो यहाँ पर देखो अभी मैं यहाँ पर सारा सेट करके गई थी ना, तो कृष्णा ने फिर से सारा कुछ फैला दिया। तो बस इस तरीके से इनका काम चलता रहता है। और ये जो ड्रॉल है इसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी जैसे कंघी है वो रख देती हूँ, कोम, काजल, कृष्णा की क्रीम रैशेज वाली, कृष्णा का पाउडर, कृष्णा का बॉडी लोशन, मेरी एक लिप बाम, मेरा 2-3 कोम और एक होममेड काजल, ये रख देती हूँ, और एक लिप बाम रख देती हूँ बस। और उसके बाद से यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं रहती है, एक डायरी और एक पेन रहता है जो कि मैं अपना नोट्स बनाती हूँ, जिस पर मुझे वीडियो बनानी होती है, बस यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जो नई वीडियो जाती हूँ उसमें जो भी रिक्वेस्ट होती हैं आप लोगों की वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, इससे ये रहता है कि मेरे पास वो रूटीन रहती है, वो लिस्ट रहती है जिसपे मुझे वीडियो बनानी होती है। तो अभी मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करूँगी, 3 या फिर 4 एसेंशियल ऑयल जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए होंगे, और मेरे फेवरेट एसेंशियल ऑयल होंगे उसमें से 2, और बाकी एसेंशियल ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। अभी मैं आप लोग के साथ में धीरे धीरे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल शेयर कर दूंगी जो जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। मुझे अगर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आप लोग यूज़ कीजिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे उसके, क्योंकि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल काफ़ी महंगा हो गया है, रोजमेरी भी बहुत महंगा हो गया है, सारे एसेंशियल ऑयल बहुत महंगे हो रहे हैं, तो सब लोग परेशान हो रहे हैं कि दीदी एसेंशियल ऑयल काफ़ी महंगे हो रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाली हूँ, संडे में वीडियो आएगी आप लोगों की, आप लोग चेक कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा, मतलब कि कल वीडियो जो आएगी
वो आएगी, वो आप लोग चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में एक रिजल्ट शेयर किया है 120 डेज का, थर्ड मंथ का थर्ड वीक आएगा, तो वो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। फर्स्ट वीक जा चुका है, सेकेंड वीक जा चुका है, थर्ड वीक जाएगा, तो वो जरूर देखिएगा आप लोग। संडे में आएगी वो वीडियो, सुबह 1 बजे आ जाएगी, तो आप लोग उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एसेंशियल ऑयल की जो वीडियो है वो मंडे में आएगी 2 बजे, तो आप लोग उसको जरूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जो चीज़ें आप लोग को लेनी हो, परचेज करनी हो, आप लोग परचेज कर लीजिएगा, और अपना एसेंशियल ऑयल होममेड आप बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णा ऊपर खेल रहा है बेड पर, और अपनी सारी गाड़ियाँ सजा दिया है इन्होंने, और भाग भाग के जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं वहीं आता है। तो बस अब मैं यहाँ पर सारे कमरे की सेटिंग कर ली है मैंने। मैं पहले सबसे पहले यही करती हूँ, किचन का सारा काम समेटती हूँ, किचन बिल्कुल अच्छे से ऊपर नीचे का सारा साफ ऑफ करके, फिर मैं दोनों कमरे का करती हूँ, फिर मैं वॉशरूम का सारा सेटिंग करती हूँ, क्योंकि आशीष की आदत है जो भी चीज़ जहाँ से लेते हैं वहाँ से उसको सारी चीज़ें तितर बितर कर देते हैं। तो मैं सारा कुछ सेटिंग करने के बाद से झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद से जो भी कूड़ा होता है छोटा छोटा बड़ा बड़ा सारा एक बड़ी पन्नी में करके रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है, तो हम अपनी गाड़ी से ही चले जाते हैं रात में जब आशीष आते हैं। तो बस वही सारा कुछ सेटिंग करते, देखो अब कृष्णा थक गया है और मेरा बाबू लेट चुका है यहाँ पर। बाबू मेरा बोल रहा था मम्मा मैं थक गया, अब बोलने लगा है आजकल ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने इससे पूछा तो कह रहा है मम्मा थक गया, फिर मैंने कहा उठ गए फिर से, कह रहा हाँ उठ गया, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर देखो आ रहा है मेरे पास, और ये जो छोटे छोटे से बॉल हैं इनके, ये बॉल नहीं है, सो पीस है सो केस में रखने के लिए, बट मैंने रखा नहीं है इसको, काफ़ी पुराना है, बहुत गंदा सा था ये, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि जब मैं आशीष के साथ नहीं रहती थी तब आशीष अपने पास इसको रखे हुए थे, लेकर के आए थे जब अपने दोस्तों के साथ में रहते थे, पता नहीं क्या है ये, तो बस सजावट के लिए है ये शो के लिए। तो आप लोग चाहें तो आप लोग क्या, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने इसको फेंक दिया था फाइनली, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा वंदा लगा हुआ था, ये थोड़ी देर के लिए खेल रहे थे, बाकी मैंने इसको फेंक दिया था, वुडन का था, मैंने कहा टूटा हुआ है तो टूटी हुई चीज़ों को घर में रखना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया था। तो कृष्णा इसके साथ में बहुत देर से खेल रहा था, खेलने के बाद से इसको कह रहा है मम्मा मम्मा बोल बोल, ये भी गोल गोल था, मतलब जो भी चीज़ होगी गोल, चाहे वो सरसों का बीज क्यों ना हो, चाहे वो मटर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी छोटी सी गोल क्यों ना चीज़ हो, रोटी भी बनाऊंगी ना गोल गोल रोटी रहेगी, तो कहेगा मम्मा बोल, आटे की जो लोई बनाते हैं उसको भी कहेगा मम्मा बोल, मटर है मटर को भी बोल बोलेगा, मतलब जो चीज़ें इसको गोल गोल दिखेंगी सारी चीज़ें बॉल। इनको गाड़ी और एक बॉल बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, बस मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बताती हूँ क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है। और देखो देखो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ये चीज़ तो मैंने देखी थी अभी जब एडिटिंग कर रही थी आप लोग के साथ में, तब देख रहे हो आप लोग यहाँ पर इन्होंने ब्लोअर जो रखा है हमारा उसको गिरा दिया है, और अब क्या कर रहा है उसको चला रहा है, ठीक है। ये तो कहो मैं देख ली थी, नहीं तो इनके कारनामे तो मुझे पता ही नहीं लगेंगे कि क्या क्या करते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है बच्चों के साथ में, इसलिए मैंने यहाँ से ब्लोअर हटा दिया था, और देख रही थी मैं कि ऑन तो नहीं है। तो थैंक गॉड माता रानी की कृपा है, माता रानी की दुआ है कि मैं अकेले भी हूँ तो भी मैं हर एक चीज़ हैंडल कर लेती हूँ, छोटे से बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को करना। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या काम होता है, बस ये दिखा देती हूँ वो दिखा देती हूँ तुम्हारे पास, और मेरे पास कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो नहीं शो होते हैं, वो शैम्प में चले जाते हैं, उनको निकाल करके आपको इनबॉक्स में करना होता है तब वो शो होते हैं, ठीक है। तो मैं कमेंट डायरेक्ट वहीं से पढ़ती हूँ जहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारा जहाँ पर YouTube का सेटिंग वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर। तो चलो फेस टू फेस बात करते हैं। आ चुकी हूँ, अब मैं चोटी खोलूंगी, चोटी खोल करके अपने बालों में टोनर लगाऊंगी, सुबह मैंने टोनर नहीं लगाया था, रात में लगा लिया था इस वजह से, और टोनर लगाऊंगी, उसके बाद से जूड़ा बनाऊंगी, और उसके बाद से जब सूख जाएगा बाल अच्छे से उसके बाद से मैं अपने बालों में करूंगी ब्रेड, फिर कल करेंगे हेयर वॉश, ठीक है। तो देखो कृष्णा क्या कर रहा है, शो है, कृष्णा को नहलाने जा रही हूँ, बाय कर दो, चलिए गाइस बाय। हाय गाइस कैसे हो आप सर, अभी बज रहे हैं 9:30 बजने वाले और मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। तो बस मैं तैयारी करूँगी, कृष्णा देख रहा है अपना गेम खेल रहा है, इसकी डाडू का गेम लेकर आए थे, और देखो मेरा सारा सामान यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं, बैक कैमरा कर देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, ये आपका पता है क्या, बेकिंग सोडा है, जिससे कि ना आपके फ्रिज में, जैसे फ्रिज ठंडियों में क्या होती है बंद रहती है ना, ज़्यादा नहीं हम कूलिंग कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा सारा कुछ जम जाता है ना, इसलिए। तो आप देख सकते हो ये मेरा एक टोनर है जो हम सन धूप से आते हैं, जो सन टैनिंग हो जाती है इसको रिमूव करता है। दूसरी चीज़ आपके जो सन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपके फेस पे लाल हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, उसको रिमूव करता है, सन प्रोटेक्शन का काम करता है। ये टोनर आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है, वही वाला टोनर है ये,
ठीक है, फ्रिज खोल करके खड़ी हूँ मैं, महान हूँ ना इसलिए। और ये मेरी क्रीम है, देखो आप देख सकते हो कितनी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी दो नई क्रीम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं बताऊँगी नहीं आप लोगों को कि ये कौन सी क्रीम है, बाकी मैं आप लोगों को खोल के कैसे दिखाऊँ। कृष्णा, मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये मेरा एक टोनर है, रोज़ वाटर होममेड रोज़ वाटर का टोनर है ये। ठीक है, ये वाला तो आधा जम गया है आधा नहीं। और ये वीडियो आएगी, इस पर कैसे खोलूँ, खोल नहीं पा रही हूँ मैं यार। आप लोग विश्वास तो इतना करते ही हो ना, बाकी मैं दिखाई देती हूँ। सो गाइज, एक देख सकते हो आप लोग, एक ये क्रीम है, एक ये क्रीम है। ठीक है, अभी ये क्रीम चल रही, अभी ये यूज़ हो रही है, इसको ट्राई कर रही हूँ मैं, हल्का फुल्का बीच बीच में लगा लेती हूँ। ठीक है, बाद में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, रिवील करूँगी। ठीक है, ये स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है अभी नया, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी अभी। ठीक है, चलो उसको बंद कर देते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं बाद में। आज ही सो रहे हैं और फिर मैं आप लोगों से खाना वाना बनाकर फिर मिलती हूँ। उनको लेना है एक टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च। अरे बब्बी बब्बी, ठंडा ठंडा हाथ हो गया। तो मैं ना यहाँ पर हरी मिर्च इतनी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलो इतनी ले लेते हैं। ये है मेरा पाव भाजी वाला ब्रेड। मेरी तो कोई हेल्प नहीं करने वाला, सारा कुछ सामान खुद ही लेके जाना है। थोड़ा सा ना गोभी भी डाल दूँगी और पत्ता गोभी भी डाल दूँगी। चलो, और शिमला मिर्च लेती हूँ थोड़ा सा। चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। सो गाइस, मैंने ना थोड़ा सा बहुत ईजी सा मेथड निकाला है पाव भाजी बनाने का, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगती है इसमें। तो मैंने कहा आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि ना ये जल्दी बन भी जाता है। तो मैं बस स्टैंड लगा रही थी और आज मैंने अपनी नेल पेंट भी चेंज कर ली है और आई थिंक आप लोग किसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आप लोग के साथ में दिखा देती हूँ कि कैसे आप बना सकते हो पाव भाजी नेल पेंट स्टाइल में। अभी मैं काम कर रही थी, मेरी बस इतने नेल ठीक रहते हैं, लंबे ज़्यादा लंबे नेल करते हो ना तो पता है क्या होता है, चोट लग जाती है बच्चों को। चलो मैं बैक कैमरा करती हूँ पहले। सो गाइस, चलिए बना लेते हैं अपना हम लोग पाव भाजी। तो ये पाव भाजी इस टाइप की है कि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं थी, जो चीज़ें घर में थी उससे मिला करके मैंने बना ली थी, क्योंकि हम ब्रेड ले आए थे जिससे हम पाव बनाते, तो पाव हम ले आए थे। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, एक टमाटर, एक आपका फूल गोभी और आपका जो पत्ता गोभी होता है वो, और 3 से 4 आलू, इन सारी चीज़ों को मैंने कट करके धो करके अच्छे से वॉश करके डाल दिया था इसमें। उसके बाद से एक थोड़ा सा नमक डाल दिया था जिससे कि इसमें नमक रहे और नमक ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद से अब हम यहाँ पर डालेंगे अपने कुकर में ऑयल। हमारा जो कुकर है वो गर्म हो चुका है, तो मैंने कुकर में ऑयल डाला हुआ है। ऑयल मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया क्योंकि मेरे पास बटर ख़त्म हो चुका था और अभी मेरी इधर मन नहीं होता है मार्केट वार्केट जाने का। फिर मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। जीरा के बाद मैंने 2-3 प्याज, आपका 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा 1 इंच टुकड़ा आपका अदरक का, इसमें ही मैंने ग्रेट कर लिया है, कट कर लिया है, अच्छे से चॉप कर लिया है और वो डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर स्टर करते हुए भून लेंगे। जब आपका थोड़ा सा अच्छे से पक जाए आपका प्याज, मतलब इसको जलाइएगा नहीं, इस तरीके से आप इसको भूनिएगा कि ये जले ना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो बस अच्छी तरीके से उसको भून लेंगे। भूनने के बाद से हम इसमें जो अपना मसाला है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद से इसमें हम अपना मसाला जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला ऐड किया हुआ है, ये भी ख़त्म ही होने वाला था, थोड़ा सा ही था। तो बस ये है कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप बना सकते हो, आपकी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा मेथड है, आप इस टाइप से बनाएंगे। बट अगर आप इसको बटर में बनाते हैं या घी में बनाते हैं तो वो अच्छा आता है, बट मुझे घी अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसको बटर में बनाती हूँ। बट मेरे पास बटर था नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया बटर में। तो मसाले डाल देंगे, मसाला जब डालेंगे आप तो उसको आपको फ्लेम को लो कर देना है। ठीक है, और मसाले के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे आपको मसाला जले नहीं, वो पानी के साथ में अच्छी तरीके से पक जाए। और इससे क्या होगा कि जब वो पक जाएगा तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी मिक्स हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिड लगा दी है। लिड लगाने के बाद से जब मसाले से तेल अलग होने लगेगा तब हम इसमें अपना जो सब्जियों को हमने मैश किया हुआ था बॉयल करने के बाद से वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से उसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद से आप इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें जिससे इसमें कलर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका चुकंदर होता है वो भी ऐड कर दें, तो आपको इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती है फूड कलर। इससे क्या होता है बीट रूट से इसमें कलर आ जाएगा। गाजर भी डाल सकते हैं आप, जिसमें पाव भाजी का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी भाजी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मटर भी बहुत अच्छा होता है, आप चाहे तो उसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा जो पाव भाजी, तो ये लीजिए हमारा इंस्टेंट पाव भाजी बनके रेडी है बिना किसी चीज़ों से। तो आप लोग भी टेस्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।